नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अपने लोकगीत के माध्यम से मशहूर नेहा सिंह राठौर इन दिनों अपने गांव गई हुई हैं। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्हें लाइव के माध्यम से अपने गांव में जलजमाव की जो समस्या है उसको दिखलाया है। बिहार में भी बाढ़ से क्या हालात हैं ये पूरे बिहार के लोगों को पता है कि जिस तरीके से बरसात आते नेपाल से जो पानी बिहार को आता है वो पूरे बिहार के लगभग 15-16 जिले को डुबा देता है। इसको लेकर नेहा सिंह राठौर अपने गांव पहुंची हुई हैं और उन्होंने लाइव के माध्यम से बताया कि किस तरीके से वहां बाढ़ का माहौल हो गया है। धीरे धीरे पानी और जलजमाव की समस्या होती जा रही है। आप ये वीडियो देखिए। बीत लिखना और गाना मोनू राय कौशिक जी जुड़े हुए हैं मुझसे। मैंने वो गीत अपने चैनल धरोहर पर भी अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं मुझे। और मेरे पेज, जैसा कि सभी कहते हैं मैं भी कह रही हूँ, मेरे पेज को फॉलो करिएगा, अच्छा लगता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। क्या हुआ, इतनी सारी हिरणें, वो कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम धरोहर है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और क्या करिएगा। आइए आप लोगों को हरियाली दिखाती हूँ, दिखाने जैसा तो कुछ, क्योंकि मैं अक्सर इस रोड पे आती हूँ तो समझ नहीं आ रहा है कि गंगा आज पोखरे के पास चलेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चलिए दोस्तों आप लोगों को आज एक पोखर दिखाती हूँ, पोखर मैंने पोखरा दिखाती हूँ। यहाँ पे लगभग हम लोग, मतलब मैं, गंगा पता नहीं तुम कब आई थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे आई हुई थी 12-13 साल पहले यहाँ पे आई हुई थी मैं घूमने। बताओ ये पोखर सूख गया है गंगा, है ना, शायद थोड़ा थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पोखरा मेरे गांव का। चलती जाइए चलते जाइए, मैं भी बड़े दिनों बाद जा रही हूँ, आज आप ही लोगों के लिए मैं भी चली जा रही हूँ, थोड़ा आप लोग भी देखेंगे अच्छा लगेगा, मुझे भी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ा मेरा मन होता था कभी, फिर मैं सोचती थी कि क्या ही जाना। और ये देखिए पोखरा तो पूरा सूख गया है, मुझे लग रहा है अभी जो पानी बचा हुआ है ना गंगा, ये बरसात का पानी ही बचा हुआ है इसमें, नहीं तो ऐसे ये सूखा ही है। देखिए देखिए देखिए, देखते जाइए कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये है पोखरा, और पोखरे के किनारे वो कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे आपको। चलिए क्या थोड़ा सा उधर भी चलते हैं, उधर लोगों से बातें करते हैं, वहाँ कौन रहता होगा गंगा। हाँ वो तो मुझे पता है कि इंसान रहते हैं, लेकिन ये तो बड़े दूर, एकदम गांव से दूर ये पोखरा है और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं अपना घर बना के। क्या गंगा, वो कैप्टस है? कौन सा? उदा। हाँ वही है। हाँ और क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को, देखते चलिए। ऐसी ऐसी सड़कें हैं, सड़कें नहीं है, क्या है इसे, क्या बोलते हैं गंगा, अरे यार बहुत सारे पेड़ हैं, कच्ची मिट्टी है और ऐसे ही रोड बना दिया गया है हमारे यहाँ, इसको क्या लीख बोला जाता है गंगा, लीख इसको बोलते हैं। तुम तो और गधही हो यार, तुमको तो और भी कुछ नहीं पता रहता है, लीक शायद, हाँ लीक। अरे तो शायद ट्रैक्टर के पहिए से ही ना बना हुआ होगा, मुझे तो पता है नहीं, तो ऐसे ही कैसे करके ये बना हुआ, ऐसे ही रोड है इतना, बताइए ये लोग कैसे जाते होंगे। आज हम लोग चलते हैं, इन लोगों से बातें करते हैं, क्या हालचाल है इनके, इनके हालचाल जानते हैं। ये लोग तो बड़ा दूर रहते हैं बाबा, लेकिन बड़ी हरियाली है, लेकिन सांप बिच्छू भी बहुत आते होंगे। मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है, डांट ना खा जाऊं।
क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आप लोग यही रहते हैं? आप लोग तो बड़ी दूर रहते हैं। अमरूद नहीं के फरल? अमरूद तो का फरल है ना, वो तो बहुत छोटा है। क्या क्या बोल रही है? पकतो नहीं खे। ये देखिए बड़ा सुंदर अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इसमें अमरूद है ही नहीं, वो छोटा छोटा सा है। तो मैं आप लोगों का घर है, ये क्या हाल है? ठीक है, हाँ ये लाइव स्टेशन है। आप बताइए, खैर छोड़िए, ये बताइए, मेरा गाना सुनती हैं कि नहीं आप लोग? मेरा गाना सुनती हैं? मेरा नाम पता है? क्या नाम है? हमारा नाम उनका लड़की ना है केकर। नहीं उद्रेश नहीं, चिड़ी सिंह नहीं, रमेश सिंह की लड़की हूँ मैं। मेरा नाम बताइए। भुला गेल बा। हमारा गाना सुने लू? झूठ झूठ मत बोला। तो मेरा गाना सुनती हो? झूठ, ठीक है, ये की कोई नहीं मेरा गाना सुन। आप मेरा गाना सुनते हैं? आप सुनते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। हेलो, क्या हाल है? आइए, एक और भौजाई सामने बड़ा मुस्कुरा रही है। अरे आइए आइए, कहे लजा रही हैं? लजा मत, बड़ा सुघर लगा तड़ू। इधर आवा, क्या हाल चाल है? हमार हाल चाल बढ़िया बा। और सब कैसे बीता था? अरे नहीं, सब ठीक है, ऐसा क्या है? और सब पाहुन तोहर कहाँ बड़न दूल्हा? बाहर कमालन? अच्छा, मतलब ये कोरोना में ना रहला है? नहीं जग्गा, कहाँ कमाना? अम्बाला। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हम लोग बस ऐसे देखने आए, बड़े दिनों बाद इधर आए हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बड़े दूर आ गए हैं, लग रहा है गंगा में कितने दिनों बाद आई हूँ यहाँ पर। हम लोग तो वहाँ रहते हैं, हम लोग उधर रहते हैं ना। वो नहीं कहता जैसे कि घर पर नहीं लगता है। मैं घर पे नहीं दिखती हूँ। मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं नहीं दिखती होंगी क्योंकि मैं घर के अंदर रही होंगी कभी। हाँ, उद्रेश चाचा लगे। हाँ, उद्रेश की तो कोई लड़की ही नहीं है। हाँ मतलब मान लीजिए मेरे चाचा लगते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं आज यहाँ पे घूमने। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? क्या बोल रही? हाँ मैं गाना वाना बनावत रहली। हाँ मैं ही गौले रही गनवा। तो ये देखिए, नीम शीशम धान, नहीं ये धान नहीं है ना, ये तो धान के बिया ना। हाँ ये घास है। अच्छा, लग रहा रोपनी किया हुआ है। तो कोई नहीं, ठीक ना, अब हम लोग चलते हैं। टाटा बाय बाय, बड़े दिनों बाद आए हम लोग। अच्छा रुकिए रुकिए, कुछ बकरियां भी हैं, उनसे भी। आपके घर के अंदर कैसे आते हैं? हाँ इधर से, उधर से आएंगे? नहीं, इधर से। अच्छा, ये नहीं खे मिलत हनी के खटिया पे सुतल बाड़ी जन। ए उठो, रेंदो जान दो। और एक ये घर है। वाह, मैं अंदर चली जाऊं? चलो, चप्पल खोल लूं। अपने घर जा। हाँ हाँ ठीक। अरे 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 अरे, ये देखिए। और देखिए यहाँ पे भोजपुरी गाना भी चल रहा है। चलिए बढ़िया है, चलिए ठीक है। भोजपुरी गाना ढेर सुने लू जा लोग। और ये बाहर में पोखर। अच्छा यहाँ से भी निकल सकते हैं क्या साइड से हम लोग? नहीं, यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, थक गए हम लोग चलते। ए चाची बाची, इधर से हम लोग निकल सकते हैं क्या? इधर से उधर से ही वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक 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 ठीक
इतना अंदर अच्छा बना। हाँ बड़ा अच्छा बनाया एकदम लीप पोत के। हाँ मेरा नाम मेरा नाम नेहा है। हाँ मेरा गाना देखिएगा तो हर दुल्हा के बड़का फोन हो ना। हाँ, हाँ तो उनका से कहा कौन दुल्हा हमारा बड़का है। आपके सॉरी आपके हस्बैंड नहीं है। हाँ, तो आपका सिंदूर क्यों नहीं लगाया है। अरे सिंदूर धोनी है नहाई नहीं है तो वैसे नहीं। अच्छा अच्छा तब तो ठीक। तो आप ही के दुल्हा मतलब आप तोहार मर्द। अच्छा हाँ तो उनसे कह दिया कि हमारा गाना सुनल कर रहे लोग और आप भी सुना करिए ठीक ना। ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं। तरीका तक वो हक हाँ का कहत बड़ा चचा और चचा नहीं पढ़ना क्या बोल करना कुछ नहीं जा का ना गाना के देखिए यहाँ पे चल रहा है मेरा गाना। क्या चल रहा है कैसा लग रहा है अलग अलग जगह से आपको कॉल्स आ रहे होंगे देख लीजिए। नहीं भी देखेंगे तो मैं दिखाई दूंगी आप लोगों को। और भैया सुनिए मेरा चैनल है धरोहर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रुक जाइए मैं आपको दिखाती हूँ। एक काम करिए आप अब बैक होइए यहाँ से। आप यहाँ पे बोलिए धरोहर भाई नेहा सिंह राठौर। धरोहर भाई नेहा सिंह राठौर। हाँ ये वो और ये है मेरा चैनल और आप मेरे चैनल को कर सकते हैं ये। चलिए हो गया सब्सक्राइब। थैंक यू धन्यवाद भैया लोग चाची भाभी काका काकी बाय बाय। तो दोस्तों चलिए एक काम करके आ गई हूँ अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लिया है और इधर घूम भी आई हूँ। और क्या दिखाएं और क्या दिखाएं बस कुछ नहीं। ठीक है मजा आ गया ना गंगा। कितना सुंदर घर बनाई थी एकदम लीप पोत की एकदम। हाय मम्मी गिर न जाए हम लोग यार कितना अच्छा लग रहा है। हाँ एक तो दोस्तों ये देखिए अपन लोग मस्ती कर रहा है। हाँ गंगा हम बहुत ज्यादा थक गए पेट ऊपर चढ़ कर पेट ऊपर चढ़ा गया। हाँ कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि हे भगवान गांव के ही लोग नहीं जानते हैं आपको। हाँ हो सकता है नहीं जानते होंगे उसके कई सारे कारण भी हैं क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जहाँ लेकर के गई थी इतने लोगों के बीच सिर्फ एक फोन था ठीक और वो फोन शायद उनका बेटा चलाता है ना। तो गांव में आप लोगों को पता ही है कि लोगों के पास कितने फोन रहते हैं या फिर फोन रहता है तो एक ऐसा रहता है कि भाई शहरों की तरह नहीं है कि 12 13 साल 14 साल का बच्चा है उसके पास भी अपना एक स्मार्टफोन है। गांव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि तो ये भी कारण है उनके नहीं जानने का या फिर ये भी हो सकता है कि मैं अभी उतनी लोकप्रिय नहीं हुई हूँ ये भी हो सकता है मुझे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है। अरे नहीं ठीक है जैसा कि कुछ लोग ने कोई एक कमेंट में लिखे हुए हैं कि आपको तो गांव के ही लोग नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे और नहीं जानेंगे तो भी कोई बात नहीं हम तो खुद इनसे मिलने गए हुए थे। तो दोस्तों बहुत मजा आया है और एक जने लिख रहे हैं अवितेश सिंह के आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं वो तो मैं चैनल सब्सक्राइब करने गई भी नहीं थी मैं तो आते टाइम लौटते टाइम मेरे को ख्याल आया कि चलिए भैया क्या पता ये सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे मैं मेरे सामने ही कर देती हूँ। और समस्या एक ये है कि हमारे पास अभी सैनिटाइजर नहीं है और वो भैया फ़ोन छुए थे वापस से मैंने भी उस फ़ोन को छू दिया। मुझे डर थोड़ा सा इस बात का लग रहा है क्योंकि मैं और यहाँ रोड पे हैंड सैनिटाइज कर नहीं पाऊंगी। खैर कोई नहीं हाँ चलते हैं। तो दोस्तों क्या है ना कि अब हम थक चुके हैं क्योंकि क्या होता है ना कैमरे को हाथ में ऐसे पकड़ के फ़ोन को ऐसे पकड़ के हेलो दोस्तों हाय दोस्तों करना पड़ता है तो हम थक चुके हैं हेलो हाय करके
अब हम फ़ोन रखते हैं, सॉरी मतलब लाइव सेशन फिनिश करते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अब हम भी थोड़ा अच्छे से टहल लेते हैं। और ये देख लीजिए कुछ खेत वेत है, खेत में पानी लगा हुआ है, अभी इसमें बिया भी नहीं डाला गया है, या फिर कुछ एक खेतों में डाल दिया गया होगा, मुझे कुछ समझ में ज़्यादा आ नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बताया कि घास है, मुझे लगा था कि वो बिया है, लेकिन बिया और घास में होता है अंतर जो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया है। तो शायद वैसे ही है, अभी बिया हुआ डालने का सीन है, फिर रोपनी होगा, बिया कबार के दूसरे खेत में गाड़ा जाएगा, तो अभी उसमें टाइम है। और बरसात तो इतनी हो रही है कि मुझे लग रहा है कि जब असली टाइम आएगा कि भाई अब खेत को पानी की ज़रूरत है, अब धान को पानी की ज़रूरत है, तो बहुत तेज़ से धूप निकलने वाला है। पता नहीं, उल्टा तो होता ही है यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बहुत पहले से ही बरसात होना शुरू हो चुका है। तो कोई नहीं दोस्तों, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।